नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मूली खाने के फायदों के बारे में। ताजा मूली खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। मूली को सलाद के रूप में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मूली में क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए, बी और सी भी होता है। आइए जानते हैं मूली हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद है। मूली खाने के फायदे। पेट के लिए मूली बहुत लाभदायक होती है। अगर पेट में भारीपन महसूस हो रहा हो तो मूली के रस को नमक में मिलाकर पीने से आराम मिलता है। अगर पेशाब आना बंद हो जाए या पेशाब में जलन हो तो मूली का रस बहुत फायदेमंद होता है। गले की सूजन में मूली का पानी सेंधा नमक को मिलाकर गर्म करें और फिर इससे गरारे कीजिए। इससे गले की सूजन कम होगी और फायदा होगा। मूली का रस दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मूली को घी में भिगोकर खाने से पित्त और कफ में फायदा होता है। मूली को हल्दी के साथ खाने से बवासीर ठीक हो जाता है। मूली में कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। दमा और खांसी के मरीजों को मूली का सेवन करना चाहिए। खांसी आने पर सूखी मूली, काला नमक व जीरा मिलाकर बने काढ़े को पीने से फायदा होता है। मूली स्वयं हजम नहीं होती है, लेकिन अन्य भोज्य पदार्थों को पचा देती है। भोजन के बाद यदि गुड़ की 10 ग्राम मात्रा का सेवन किया जाए तो मूली हजम हो जाती है। मूली के रस में थोड़ा नमक और नींबू का रस मिलाकर नियमित रूप में पीने से मोटापा कम होता है और शरीर सुडैल बनता है। पेट के कीड़ों को नष्ट करने में भी कच्ची मूली फायदेमंद साबित होती है। हाई ब्लड प्रेशर को शांत करने में मूली मदद करती है। पेट संबंधी रोगों में यदि मूली के रस में अदरक का रस और नींबू मिलाकर नियमित रूप से पिया जाए तो भूख बढ़ती है। त्वचा के रोगों में यदि मूली के पत्तों और बीजों को एक साथ पीसकर लेप कर लिया जाए तो यह रोग खत्म हो जाते हैं। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।